अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आईआर स्पेक्ट्रा। जैसे आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एनालिसिस के बाद एक स्पेक्ट्रा मिलता है जिसमें डिफरेंट लाइंस मौजूद होती थी, वो जो लाइंस हैं वो आपके मॉलिक्यूल के बारे में बता रही होती थी कि वो उसकी क्या क्वालिटी और उसकी हाइट से आप उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन कर रहे थे। इसी तरह से आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद भी एक रिजल्ट शीट मिलती है, डिटेक्टर जो डिटेक्ट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस को, वो रिजल्ट शीट इस तरह की फॉर्म में मिलती है। ये आपके पास क्या है, ये आईआर स्पेक्ट्रा है। मैंने आपको बताया था आईआर स्पेक्ट्रा वेव नंबर जो कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस यानी कि कितनी लाइट ट्रांसमिट होकर निकली उसको मेजर कर रहा होता है। हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था, एब्जॉर्प्शन नोट हो रही थी कि पर्टिकुलर कंपाउंड, पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितनी हाइट की एब्जॉर्बेंस यानी कि कितनी हाइट लाइट इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो रहा था। आईआर स्पेक्ट्रा में उसका रिवर्स है, एब्जॉर्प्शन के बजाय ट्रांसमिटेंस नोट हो रही होती है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितनी परसेंट लाइट ट्रांसमिट हुई। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, वेव नंबर है। वाई एक्सिस पे क्या है, ट्रांसमिटेंस जो कि परसेंटेज में है। ये एक्स एक्सिस वेव नंबर हमारे पास मिड आईआर रीजन जो है वो 400 से 4000 तक का रीजन है, तो ये आपके पास वेव नंबर है। वाई एक्सिस ट्रांसमिटेंस परसेंटेज में है, तो ये 100 तक ट्रांसमिटेंस होती है, 0 से लेके ये 0, 20, 40, 60, 80, 100, ये 100 तक ट्रांसमिटेंस है। ये आपके पास जो स्पेक्ट्रा आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्पेक्ट्रा है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कौन सा एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, OH हाइड्रोक्सिल का फंक्शनल ग्रुप है। OH की जो इस पीक है वो आईआर स्पेक्ट्रा में बहुत प्रोमिनेंट विजिबल पीक हमें मिलती है, जो कि ब्रॉड पीक मिलती है इन द रीजन ऑफ 3000। 3000 के रीजन में आपके पास एक ब्रॉड पीक जब मिलेगी तो वो OH की प्रेजेंस शो कर रही होती है, जो कि आपके इस स्पेक्ट्रा में नज़र आ रही है। अब जहां तक हम देखें कि ये ट्रांसमिटेंस को कैसे नोट कर रहा है, तो परसेंट ट्रांसमिटेंस यानी कि 4000 पे 100% थोड़ा ज्यादा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट हो तो ये 100 यहां से लाइन से शुरू होगा, यहां पे लाइट आ रही है, इस वाले रीजन में लाइट 100% ट्रांसमिट होके जा रही है, इस वाले रीजन में ट्रांसमिटेंस कम हो गई। जितनी ट्रांसमिटेंस कम हुई क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई इस वाले रीजन में, उतनी ये ट्रांसमिटेंस की लाइट वेव डाउनवर्ड इसकी पीक आएगी, देन अगेन वापस ऊपर चली गई, यानी कि इस वाले रीजन में फिर अराउंड 80 to 85 या 90% के करीब लाइट ट्रांसमिट होने लगी। इस तरह से ये ट्रांसमिटेंस जिस भी रीजन पे लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उतनी ज़्यादा परसेंट ट्रांसमिटेंस कम हो जाती है। हमने जब बिल्कुल स्टार्ट में यूवी विजिबल का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि आपकी 100% इंसिडेंट लाइट है, 100% ट्रांसमिटेंस लाइट है, तो आपकी इसका मतलब है 0% एब्जॉर्बेंस है। लेकिन अगर 100% इंसिडेंट लाइट है और 95% ट्रांसमिटेंस लाइट है तो 5% आ गई, वो मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय अ कंपाउंड जो कि जहाँ से लाइट गुजर के गई थी। तो जितनी ट्रांसमिटेंस कम हो रही है तो बाकी लाइट जहाँ जिस एरिया पे लाइट जितनी ट्रांसमिट कम हो रही है उस वाले एरिया पे उतनी लाइट कंपाउंड ने एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ये आपकी वेव नंबर अगेंस्ट ट्रांसमिटेंस पे आईआर स्पेक्ट्रा हमें मिलता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो कि हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक रीजन में पीक दे रहा होता है, जो कि स्ट्रेचिंग या बेंडिंग वाइब्रेशन पीक होती है। अच्छा, अब आईआर स्पेक्ट्रा में एक और चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉन्ग पीक होती है, मीडियम पीक होती है, वीक पीक होती है। जैसे ये बिल्कुल जो एंड तक होती है ब्रॉड पीक है, ब्रॉड है लेकिन स्ट्रॉन्ग पीक है, ये आपके पास वीक पीक्स कहलाती हैं, यानी कि जो प्रॉपरली
एंड नहीं हो रही और जिनकी हाइट भी बहुत ऐसे छोटी सी है, ये वीक पीक कहलाती है। और जो ये वाली पीक्स हैं ये मीडियम पीक्स कहलाती है, यानी कि जो बिल्कुल एंड तक नहीं आ रही है, बीच के रीजन में है, वो मीडियम पीक्स हैं। जो बहुत छोटी छोटी पीक्स हैं वो वीक पीक हैं, और जो बिल्कुल एंड में शार्प, जैसे ये वाली बहुत स्ट्रॉन्ग पीक है, स्ट्रॉन्ग और शार्प पीक है, ये स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड पीक है। यहाँ पे ये जो जो हाइड्रोक्सिल की पीक है, जो ए पीक जो शो हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग बट ब्रॉड पीक है। दिस पीक इज स्ट्रॉन्ग बट शार्प पीक, दिस इज अ वीक पीक्स। ये आपके पास जो ये बी वाली पीक है, ये मीडियम पीक है। एफ वाली पीक भी मीडियम पीक है। ई वाली पीक स्ट्रॉन्ग पीक है। डी वाली पीक मीडियम पीक है। जो हाइट जिनकी मीडियम होगी वो मीडियम पीक कहलाएगी। अब मीडियम शार्प पीक भी होती है, मीडियम ब्रॉड पीक भी होती है, स्ट्रॉन्ग शार्प पीक भी होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड पीक भी होती है। वीक पीक्स, ये जो छोटी छोटी पीक्स हैं ये वीक पीक्स होती हैं। कुछ स्पेसिफिक वीक पीक्स स्पेसिफिक के लिए होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वीक पीक्स को हम इग्नोर कर देते हैं उनको। जैसे ये वाली पीक भी वीक पीक्स कहलाएंगी। अच्छा, दूसरा जो आपके पास पार्ट होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हमने बोला था एक फिंगरप्रिंट रीजन है, जो कि 400 से अराउंड 1500 1700 तक का जो रीजन होता है ये फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। और उसके बाद का जो रीजन होता है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है। अब जैसे देखें, आपके पास ये ओएच की जो पीक है, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड का, वो 3000 के रीजन में प्रेजेंट है। ये फिंगर फंक्शनल ग्रुप रीजन में प्रेजेंट है। ये जो पूरा रीजन है जिसमें मल्टीपल पीक्स प्रेजेंट है, ये फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है, जो कि बहुत स्पेसिफिक, मतलब किसी, फॉर एग्जांपल आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसमें आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल के बजाय ब्यूटाइल अल्कोहल हो, तो उसमें जस्ट क्या हो रहा होगा, एक कार्बन बढ़ रहा होगा। तो उसकी एक बहुत कोई एक स्पेसिफिक, बाकी पूरा स्पेक्ट्रा सेम ही चलेगा, बस एक कोई सिंगल पीक इस रीजन में बहुत थोड़ी सी डिफरेंट हो रही होगी। इसलिए ये कहलाती है फिंगरप्रिंट रीजन, यानी कि बिल्कुल माइन्यूट अगर भी डिफरेंस आपके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा होता है तो वो इस रीजन में शो होता है। कोई स्पेसिफिक मेजर चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, कोई बॉन्डिंग कोई अलग आ जाती है, रिंग अटैच हो जाता है, वो तो इस रीजन में फिर शो होगा। लेकिन अगर कोई बहुत माइन्यूट चेंज है, कोई जैसे कार्बन हाइड्रोजन के एडिशन हो रही है, एक सिंगल कार्बन और ऐड हो रहा है, तो उसकी चेंजेस इस फिंगरप्रिंट रीजन में शो होती है। तो ये फिंगरप्रिंट रीजन आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क कहलाता है, जिसकी वजह से आप इस रीजन में इवन माइन्यूट चेंजेस जो स्ट्रक्चर्स में आ रही होती हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय स्टडिंग दिस फिंगरप्रिंट रीजन। हाँ, ये फिंगरप्रिंट रीजन रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल पीक्स मौजूद होती है। अच्छा, आप देखें, हमने कैलकुलेशन वाइब्रेशनल एनर्जी कैलकुलेट करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो ओएच की जो पीक है ये 3000 के रीजन में आ रही है, लेकिन कैलकुलेशन के, या जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो भी पोस्ट करी है आप लोगों के लिए, कार्बन ऑक्सीजन की जो वैलेंस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की जो वैल्यू आ रही है, थियोरेटिकली वो 1574 की रीजन में आ रही है। लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और दो साइड पे हाइड्रोजन होते हैं, उसमें कार्बन की जो ऑक्सीजन के साथ जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो हमें 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिल रही होती है, और जो उसकी बेंडिंग एनर्जी होती वाइब्रेशन होती है वो हमें अराउंड 1300 पर मिल रही होती है, जो कि दोनों इस वैल्यू से बहुत डिफरेंट है। यानी कि 1574 या अराउंड 1600 के करीब है, वहाँ पे हमें 1700 पे मिल रही है, वहाँ तो बेंडिंग एनर्जी हमें 1300 पे मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अब हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई ये कौन सी वाली है। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन द वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसमें कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा, मीजोमेरिक, वो हम सारे इफेक्ट अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि किन किन इफेक्ट्स की वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी का रीजन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज़। तो ये जो सारा डिफरेंस आपके पास अब आ रहा होगा, और बहुत माइन्यूट चेंजेस की वजह से, तो इस वजह से फिंगरप्रिंट रीजन को
स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन स्पेशली अल्केन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, अल्केन्स की स्टडी के लिए फिंगरप्रिंट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्केन्स में क्या जस्ट डिफरेंट हो रहा है, आपके पास कार्बन ही चेंज हो रहा है, अल्केन में तो और कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो ही उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं कि आप उसकी वजह से उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन कर सकें, और उसमें प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, तो ये सब क्या हो रहा होगा, फिंगरप्रिंट रीजन में ही डिफरेंस इनका आ रहा होगा, तो फिंगरप्रिंट रीजन स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एनालिसिस ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोकार्बन्स, जो कि अल्केन अल्कीन अल्काइंस हैं। लेकिन इसके अलावा वैसे अगर जैसे क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए अगर देखें, तो फिर हम ज़्यादा फिंगरप्रिंट रीजन की पीक्स के मुकाबले में कोई और स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की पीक को लेकर वहाँ पर हम क्वांटिफिकेशन के लिए मेथड डेवलप करते हैं, क्योंकि वो पीक को रीड करना और उसको एनालाइज करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू फिंगरप्रिंट रीजन। ये आपका आईआर स्पेक्ट्रा था, आई होप ये आपका आईआर स्पेक्ट्रा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वेव नंबर और ट्रांसमिटेंस के अगेंस्ट आपका आईआर स्पेक्ट्रा डेवलप होता है, डाउनवर्ड पीक क्यों मिल रही होती है, यूवी विजिबल में अपवर्ड पीक क्यों है, क्योंकि यूवी विजिबल में वो एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा होता है कि जिस पर्टिकुलर रीजन पर जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करी उतनी पीक की हाइट बढ़ जाएगी, यहाँ पर क्योंकि ट्रांसमिटेंस नोट हो रही है जिस पर्टिकुलर रीजन पे, जहाँ पे जितनी ज़्यादा अब्जॉर्बेंस होगी उतनी ट्रांसमिटेंस कम होगी, तो जितनी ट्रांसमिटेंस कम होगी उतनी पीक हाइट डाउनवर्ड डिक्रीज होगी, सॉरी पीक हाइट डाउनवर्ड बढ़ेगी, यानी कि पी डाउनवर्ड उसकी पीक बढ़ती जाएगी, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन में उतनी ट्रांसमिट लाइट होकर कम मिली, यानी कि ज़्यादा लाइट कंपाउंड ने अब्जॉर्ब करी, जो कि ज़्यादा क्वान्टिटी ज़्यादा कंसनट्रेशन को शो कर रहा होता है। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा आई आर स्पेक्ट्रा। इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो यू मे आस्क ऑन एनी फॉरम, आइदर व्हाट्सएप और LMS, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।